शाह ने विपक्ष के मन की सुन ली। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सीएम के पुराने ट्वीट पर बग्गा ने कसा तंज। आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने कोलकाता की एक कंपनी के जरिए बेनामी संपत्ति जुटाई थी। जैन की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर अपनी राय रख रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने वीडियो ट्वीट कर कहा, आज सत्येंद्र जैन पकड़ा गया है, कल केजरीवाल भी पकड़ा जाएगा। 5 साल पहले मैंने सत्ता कुर्सी सब दांव लगाकर सत्येंद्र जैन के करप्शन को सार्वजनिक किया था। ईडी में शिकायत भी दर्ज कराई थी। केजरीवाल ने बार बार सब जानते हुए भी सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी। आज सच सबके सामने है, पूरी हुई केजरीवाल की मन की मुराद। सत्यमेव जयते। आज सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सन 2017 में मैंने ईडी में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। हवाला, बेनामी कंपनी, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, और ये मीडिया में बार बार पिछले 5 सालों में ये कह रहा था मैं कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट है और अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नेक्सस दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। आज सत्येंद्र जैन जेल जा रहे हैं और कल अरविंद केजरीवाल को भी जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस खेल में सत्येंद्र जैन केवल एक कठपुतली है। असली करप्शन, असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल खुद है। इसीलिए पिछले 7 सालों में जब जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप आए सामने, तथ्य आए सामने, तब अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर सत्येंद्र जैन को बार बार क्लीन चिट दी, क्योंकि इस करप्शन में केजरीवाल खुद शामिल हैं। और मुझे ये लगता है कि आज सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद हवाला, काला धन, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी कंपनियां, वो सभी चीज जो मैं बार बार पिछले 5 साल से कह रहा था, वो सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली देख रही है केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नेक्सस। मैं आज फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि आज सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ रहा है, कल भ्रष्टाचार में देश अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाते हुए देखेगा। कपिल मिश्रा के अलावा भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल के एक पुराना ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए कहा कि कौन कहता है अमित शाह जी विपक्ष की नहीं सुनते। बता दें कि केजरीवाल ने इस ट्वीट में खुद गृह मंत्री को लिखा था कि नए केस शुरू करने से पहले सत्येंद्र जैन को तो जेल भेज लो। इन सब के अलावा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जैन के पक्ष में ट्वीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाजपा हिमाचल में हार रही है, इसलिए गिरफ्तार किया।